फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, भारत ने की कठोर कार्रवाई, इंडिया यूएनएससी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करके पता करते हैं कि क्या स्टैंड लिया और कौन सी कठोर कार्रवाई की है इंडिया ने। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने म्यांमार को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है, और भारत ने ये झटका दिया है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंच से, यानी कि यूएनएससी में। ये बेहद ही ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि म्यांमार के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो कत्लेआम बढ़ा है वो हद से ज्यादा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर थी भारत पर, कि भारत यहां पर क्या स्टैंड लेता है, क्या भारत एक सुपर पावर देश की तरह एक्ट करते हुए म्यांमार पर कुछ एक्शन लेगा, या फिर भारत भी यहां पर जो चीन के डर से चुपचाप बैठा रहेगा, ना यहां पर किसी को समर्थन करेगा ना किसी का विरोध करेगा। लेकिन भारत ने सारे अनुमानों को धता बताते हुए यहां पर म्यांमार को एक अच्छा सबक भी दिया है। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार भारत ने किया क्या है, और वर्ल्ड मीडिया में भारत को इतनी ज्यादा प्रशंसा क्यों मिल रही है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पहले हुआ करता था अमेरिका वर्सेज रशिया, आने वाला समय है भारत वर्सेज चाइना। लेकिन दिक्कत यह थी कि भारत अभी अमेरिका की तरह रिएक्ट कर नहीं रहा था। जिस तरीके से भारत के पड़ोस में पिछले कुछ दिनों से कत्लेआम मच रहा है, भारत ने उस पर चुप्पी साधे रखी, जिससे कि यूरोपियन देशों को भी लगा क्या भारत वाकई में ही एक सुपर पावर बनना डिजर्व करता है। और देखिए, सुपर पावर सिर्फ ऐसे नहीं कि सैन्य ताकत आपने बढ़ा लिया आप सुपर पावर बन गए, ऐसे तो रशिया है दुनिया में अलग थलग पड़ा है। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक कंप्लीट सुपर पावर बनने के लिए आपको दुनिया के देशों का समर्थन भी चाहिए होता है, जिस तरीके से अमेरिका को मिलता है दुनिया भर के देशों का समर्थन, क्योंकि अमेरिका ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल खुलकर बोलता है और इन मुद्दों पर वो लीड भी करता है दुनिया को। तो भारत से भी यही उम्मीद की जाती है, तभी भारत को भविष्य में एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर देखा जाएगा। और भारत ने आखिरकार इस चीज को नोटिस में लिया है, और अब भारत म्यांमार पर खुलकर बोल रहा है। दरअसल यूएनएससी की मीटिंग हुई थी कल, जिसमें म्यांमार को लेकर चर्चा हुई, और भारत ने ना सिर्फ म्यांमार में हुई हिंसा की निंदा करी है, बल्कि यह भी कहा है कि दुनिया को अब एकजुट आना चाहिए और म्यांमार पर कुछ कड़े कदम उठाने भी चाहिए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल्स भी देख सकते हैं जो भारत ने बयान जारी किया है। और कहीं ना कहीं ये चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन ये सोच रहा था कि भारत उसके ट्रैप में फंस चुका है। भारत यहां पर ना तो सरकार का समर्थन करेगा ना सेना का समर्थन करेगा, एक तरफ बैठा रहेगा। लेकिन भारत ने अचानक से अपना गियर बदला और कहा कि जी, हम तो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, दुनिया भर के जितने भी यूरोपियन देश हैं या जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो एकजुट हो जाएं और म्यांमार के अंदर हिंसा को रोके। और ये चीन के लिए भी इनडायरेक्ट इशारा था, क्योंकि इस हिंसा में कहीं ना कहीं चीन की एक बड़ी भागीदारी थी। चीन म्यांमार की सेना को उपकरण उपलब्ध करवा रहा था, जिनका इस्तेमाल हो रहा था हिंसा में। ऐसे में चीन भी एक तरीके से सन्न है कि भारत ऐसे एक्शन ले रहा है, और इसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में आप देखे इसका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव आया है। क्योंकि अभी तक वर्ल्ड मीडिया और यूरोपियन देश भारत की आलोचना कर रहे थे कि आप तो कहते हैं कि जी, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं, लेकिन आपके पड़ोस में ऐसा कत्लेआम मच रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं। तो इसका इफेक्ट भारत पर पड़ रहा था, लेकिन भारत ने जैसे ही गियर चेंज किया है, अब यही लोग भारत की तारीफ भी करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो पक्का था कि इंडिया जो जब भी स्टैंड लेगा वो तो डेमोक्रेसी की तरफ ही होगा, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं काफी हैरान हूं कि भैया, जैसे वो बोल रहे हैं कि बाकी कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रही थी कि इंडिया अभी तक क्यों नहीं बोला। ये इंडिया के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ये कोई बाहर कंट्री में हो रहा है, इंडिया अननेसेसरी पहले क्यों बोलेगा। पहले इंडिया सिचुएशन देखेगा, स्टडी करेगा कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जब पता चलेगा क्या चल रहा है, 100% श्योरिटी होगी, उसके बाद आप कुछ बोलोगे। आप ऐसे ही थोड़े, कोई भी समझदार देश, कोई भी समझदार इंसान भी
एकदम से नहीं बोलेगा, पहले सब कुछ को पता करेगा, फैक्ट्स पता करेगा, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेता है। तो वही इंडिया एज अ कंट्री कर रहा था, मेक श्योर कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स हो रही थी, पता चल रहा था क्या क्या चल रहा है उस कंट्री में। और जब उनको दिखा कि वहां पे इतनी वॉयलेंस हो रही है और जो मिलिट्री है वो इनोसेंट लोगों को मार रही है, तो इंडिया ने फिर स्टैंड लिया और बोला, उसको कंडेम किया और कहा कि हम लोग तो डेमोक्रेसी वाले हैं, तो हम तो हमेशा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करेंगे। और एक्सपेक्टेशन यही है, खाली इंडिया से क्यों, हर वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक है उससे ही एक्सपेक्टेशन है कि वो इस चीज को जो हो रहा है उसको कंडेम करे। तो इंडिया के ऊपर ये बोलना कि भैया इंडिया को ये करना चाहिए क्योंकि उसके आसपास हो रहा है, मेरा मानना गलत है कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को इकट्ठे होकर इसको कंडेम करना चाहिए और एक्शंस लेने चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए अगर हमारे हाथ में है कि वहां पे जो डेमोक्रेसी है वापस आए। और जैसे ये बोल रहे हैं कि चाइना जो है उन्होंने तो सप्लाई भी किया, मैंने पहले भी कई न्यूज में सुना भी है कि चाइना सपोर्ट कर रहा है, और उसका मेरे को लगता है कि ये इंटेंशन है कि किसी तरह वहां पे भी जो है मिलिट्री की पावर आ जाए, वो उनकी गवर्नमेंट टाइप बन जाए जैसे चाइना के अंदर है। तो वो तो ऑब्वियसली कोशिश यही करेंगे कि कंट्रीज ऐसी बने उनकी तरह ही, पर हम लोगों को पता है एज कॉमन जो इंसान है, पब्लिक होती है, उसके लिए सबके लिए बेस्ट इज डेमोक्रेसी। तो अच्छी बात है कि इंडिया ने स्टैंड लिया और इंडिया ने दिखाया चाइना को कि भाई तुम जो सोच रहे थे कि हम चुप रहेंगे या नहीं बोलेंगे, वो तुम्हारी जो गलत फहमी है उसको हम दूर कर देते हैं, ये हमारा स्टैंड है और हम जो हो रहा है अगर हमें वो ठीक नहीं लग रहा हम उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो अच्छा वीडियो था, इसमें मैंने इतने आर्टिकल नहीं पढ़े जिसमें कोई इंडिया के बारे में नेगेटिव कह रहा था। मैंने कोई ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ा जहां पे इंटरनेशनली बोल रहे हैं कि अरे इंडिया आवाज नहीं उठा रहा या इंडिया सुपर पावर नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जहां पे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है कि अगर इंडिया नहीं बोल रहा तो सुपर पावर नहीं है, ये थ्योरी नहीं थी। सिर्फ लोग ये जरूर, और लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई वेट नहीं करता कि इंडिया की क्या, इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, तो हमी को लगता होगा, मगर पॉइंट ये था कि इंडिया क्या करेगा, ये इंडिया को सोचना है, इंडिया को अपना सोचना था और वो होली हो गया। अब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इंडिया जाके फोरम में जाता है, और अगर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या बोला है, मगर अगर ये बोला है कि जैसे बोले वी कंडेम कि ये जो भी म्यांमार में आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम उसको नहीं एग्री करते, ये गलत बात है, तो बहुत अच्छी बात थी कि क्लियर कर दिया इंडिया ने कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हम डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड को ही सपोर्ट करते हैं। अगर पहले डेमोक्रेसी थी म्यांमार में, अब नहीं है डेमोक्रेसी, आर्मी का कंट्रोल है, तो हम इससे खुश नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इसके अगेंस्ट है। तो पहले तो ये बात करके इंडिया ने मॉरली दिखा दिया म्यांमार के लोगों को भी कि इंडिया तुम्हारी साइड है, इन द सेंस कि इंडिया भी डेमोक्रेसी चाहता है। तो पहले ये अजम्पशन था कि वहां के लोग बोलेंगे अरे ये तो डेमोक्रेसी है तो ये तो कुछ नहीं कर, मतलब इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, चाइना जरूर किया होगा क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट है और चाइना में सिंगल पार्टी रूल है। मगर अब इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि हाँ जो भी आपका हुआ है हमें अच्छा नहीं लगा है, हम डेमोक्रेसी हैं, आपकी भी डेमोक्रेसी चाहिए, तो ये मैसेज चला गया है म्यांमार को लोगों को। अब ऑब्वियसली म्यांमार में अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कोई भी मिलिट्री रूल जो है सदियों के लिए नहीं रह सकता, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लोग जो है रिवोल्ट करते रहेंगे, अगर रिवोल्ट करते रहेंगे लोग तो इकॉनमी नीचे आ जाएगी, इकॉनमी नीचे आएगी पैसा खत्म हो जाएगा, जिन्होंने भी किया है पावर के लिए किया है और पैसे के लिए किया है। जब तुम्हारे नेशन में हलचल है, अनबैलेंस तुम्हारा नेशन हो जाएगा तो तुम्हें कुछ कुछ भी मिलने नहीं वाला। तो इसलिए इवेंचुअली डेमोक्रेसी आएगी किसी और तरीके से, मगर एटलीस्ट उनको ये एहसास होगा कि इंडिया हमारे साथ था, एटलीस्ट इतने कहने में कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। देखिए एंड ऑफ द डे म्यांमार के लोगों को ही रिवोल्ट करना है, अगर किसी को भी फ्रीडम तभी मिलती है जब वो खुद अपने हक के लिए लड़ता है, बाहर से आके कोई आपको फ्रीडम नहीं, हमें भी तो हमें भी इंडिया को फ्रीडम अपने खुद से ही मिली, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बाहर से आके कोई आपको छुड़ाएगा, आपको खुद लड़ना है। तो अगर म्यांमार के लोगों को वाकई ही डेमोक्रेसी चाहिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, उनको फ्रीडम अपनी करनी पड़ेगी, फ्रीडम फाइट करनी पड़ेगी और अपना पूरा रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, जिस भी तरीके से करते हैं, महात्मा गांधी के तरीके से करें या सुभाष चंद्र बोस के तरीके से करें, बट उनको करना पड़ेगा, जिस भी तरीके का यूज करते हैं। आई होप कि वहां पे डेमोक्रेसी आए क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन, हम चाहते हैं कि आसपास हमारे नेबर्स में भी डेमोक्रेसी हो। तो अच्छा वीडियो था।
यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.